जाजपुर जिले के फोपनार में बाढ़ ने इस कदर से तबाही मचाई कि गांव में बने 100 मकान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। अब इनको बसाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 2 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है, जहां पर इन पीड़ित परिवारों को बसाने की कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ के पानी ने करीब 400 मकानों को जलमग्न कर दिया था, जिसमें से 100 मकान तो बह गए हैं। कई मकानों में जमी गाद को निकालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। फोपनार में बाढ़ के पानी ने 100 मकान बहा दिए हैं, जिसको लेकर अब पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां पर पीड़ित परिवारों ने उनसे गुहार लगाई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है, जहां पर पीड़ित परिवारों को बसाया जाएगा। उनका कहना है कि नदी के पास बने हुए मकान होने से कभी भी बाढ़ का पानी आ सकता है, इसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि पर इनको बसाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अब प्रशासनिक अफसर भी कार्रवाई में जुट गए हैं। देखिए, जब यहाँ पर बाढ़ आई और उस समय क्योंकि लोकसभा सत्र चल रहा है, उसके कारण मैं दिल्ली में होने के कारण नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे ही मुझे खबर लगी तत्काल कलेक्टर मैडम से बात करके कलेक्टर मैडम ने और हमारे सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना चाहिए थी वो सहायता देने की कोशिश की है, ताकि वो कम से कम भर पेट भोजन करके। हमने देखा कि बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पूरे के पूरे दबाव गए, कई लोगों के पास में खाने का भी सामान नहीं बचा, जो शरीर पर कपड़े थे वो कपड़े ही उतने बचे थे। ये संत जी, आपने अधिकारी को निर्देश दिए कि अन्यत्र जगह पर इनको विस्थापित किया जाए, इसको लेके क्या कहना? देखिए, स्वाभाविक है कि नदी किनारे है, लेकिन क्या होता है कि जगह लोगों को जगह नहीं होती, तो जहां जगह मिलती वहां स्थापित हो जाते, लेकिन ये नदी है, ये कब बाढ़ आ जाएगी कब क्या होगा, ये तो प्राकृतिक आपदा किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ना प्रशासन के हाथ में ना सरकार के हाथ में। और वो तो अच्छा हुआ कि कम से कम दिन में हो गया, यदि रात में होता तो कितने सारे लोग इसमें प्रभावित होते, कितने सारे लोगों की जान चली जाती, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन हमने बात करी है कि जिस तरह से अभी हमने हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन लोगों के पास जमीन नहीं है ऐसे लोगों को जमीन के पट्टे देने का काम की शुरुआत कर चुके हैं। अभी 1.5 महीना पहले ही हमने इच्छापुर के अंदर भी गरीब लोगों को पट्टे वितरित किए, यहाँ पर भी 2 हेक्टेयर के करीब जमीन चिन्हित की गई है और उसमें भी जल्द से जल्द जो प्रभावित लोग हैं पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको वहां स्थापित किया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से पट्टे दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से पट्टे देने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उनके नाम शामिल करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा।